नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। शौर्य दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी पार्क स्थित कारगिल शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को किया नमन। कहा, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने अपना सर्वस्व कर दिया अर्पण, हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगे वीर शहीद। मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 12 प्रस्तावों में से 8 पर लिया गया निर्णय। प्रदेश में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, लोगों से सतर्क रहने की अपील। और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे उधम सिंह नगर के मोहम्मद हनीफ के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना बनी सहारा। योजना के तहत ऋण लेकर फिर से हुए अपने पैरों पर खड़े। अब खबरें विस्तार से। शौर्य दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में गांधी पार्क स्थित कारगिल शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीर जवानों की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि जब भी देश को जरूरत हुई, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जवान अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहे हैं। सेना के जवानों के शौर्य व पराक्रम से ही आज हमारी सरहदें सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल का युद्ध विषम परिस्थितियों में लड़ा गया था, फिर भी हमारी सेना ने अप्रतिम साहस व बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए दुश्मनों को बाहर खदेड़ा। कारगिल के युद्ध में हमने अपने जवानों के रक्त के एक एक कतरे का बदला दुश्मनों से लिया। कारगिल का युद्ध हमारी सेना के पराक्रम के लिए हमेशा जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को शौर्य दिवस पर स्कूलों में छात्र छात्राओं को कारगिल की लड़ाई व हमारे सैनिकों के पराक्रम के बारे में बताया जाएगा। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हों, राज्य के स्तर पर हों, मेरा मानना है कि छुट्टियों की बजाय हमको उन महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। कोई भी दिवस जिन्हें हम मनाते हैं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम याद करने की बजाय, उनको स्मरण करने की बजाय कहीं ना कहीं हम कोई हमसे लैकिंग हो रही है। और इसलिए मैंने ये कहा है कि जो शौर्य दिवस है इस पर हम अपने जो पाठशालाएं हैं उसमें बच्चों को उनके बारे में बताया जाएगा। शौर्य दिवस के बारे में हमारे जितने भी शैक्षिक संस्थाएं हैं उनमें उनके बारे में प्रेयर के समय वहाँ के जो भी शिक्षक होंगे, प्रधानाचार्य जो भी नियुक्त करेंगे, वो उसके बारे में बताएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पदक विजेता सैन्य अधिकारियों, सैनिकों, शहीद सैनिकों के परिवारजनों और वीर नारियों को सम्मानित भी किया। उधर टिहरी जिला मुख्यालय स्थित युद्ध स्मारक पर जिलाधिकारी सोनिका सहित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। इस अवसर पर शहीद सैनिकों के परिजनों और कीर्ति चक्र से सम्मानित पूर्व सेना नायक श्रीपाल चंद्र को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी कारगिल विजय दिवस की 19वीं वर्षगांठ मनाई गई। वहीं पौड़ी के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वीर सैनिकों द्वारा देश के लिए दी गई शहादत को याद किया गया। चंपावत जिला मुख्यालय पर जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया। हल्द्वानी और पिथौरागढ़ में भी जिले के शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। चमोली और कोटद्वार सहित राज्य के अन्य हिस्सों में आयोजित कार्यक्रम में अमर शहीदों के बलिदान को याद किया गया। गौरतलब है कि कारगिल की लड़ाई में देश के 527 जवान शहीद हुए थे, इनमें से 75 उत्तराखंड के थे। हाई कोर्ट के आदेश पर चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की जद में आई प्रदेश की 584 मलिन बस्तियां नहीं हटाई जाएंगी, इन्हें बचाने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। कल देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश के मसौदे को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बैठक में तय किया गया कि अगले 3 वर्ष के भीतर बस्तियों के नियमितीकरण या अन्यत्र बसाने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आए कुल 12 प्रस्तावों में से 8 पर फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मलिन बस्तियों के लिए
सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। साथ ही बालिका सैनिटरी नैपकिन योजना के अंतर्गत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रति पैकेट 2 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि लखनऊ में संचालित उत्तराखंड पुनर्गठन कार्यालय को बंद किए जाने पर भी बैठक में सहमति बनी। न्यायालय शुल्क संशोधन विधेयक 2018 को भी बैठक में मंजूरी दी गई। साथ ही उत्तराखंड पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई। श्री कौशिक ने बताया कि विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड परियोजना में 25 ITI को चुनकर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इस पर भी कैबिनेट में फैसला लिया गया। उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अध्यादेश 2018। इस मुख्य इवेंट से पहले हमें करना क्या है, इसमें हमने रोड शो रखे हैं। इन रोड शो में हम बेंगलोर में करेंगे, हैदराबाद में करेंगे, अहमदाबाद में करेंगे, मुंबई में करेंगे, नई दिल्ली में करेंगे, लखनऊ और चंडीगढ़ में करेंगे। इनकी तारीख हमने निश्चित कर दी है। हम बेंगलोर में 22 अगस्त को करेंगे, हैदराबाद में 23 अगस्त को करेंगे, बेंगलोर में 22 अगस्त को करेंगे, अहमदाबाद में 23 को, हैदराबाद अहमदाबाद में 24 अगस्त को, मुंबई में 29 अगस्त को, नई दिल्ली में 30 अगस्त को, लखनऊ और चंडीगढ़ में 2831 अगस्त। एक हम राउंड टेबल करेंगे, उसमें नई दिल्ली में 30 अगस्त को करेंगे। इसमें जो निवेश की संभावनाओं पर विचार करते हुए हमने एक निवेशक सम्मेलन के लिए पार्टनर कंट्री का भी चयन करने का निर्णय लिया है। उसमें 8 देशों के नाम हमारे पास आए हैं। इसमें सिंगापुर है, जापान है, नीदरलैंड है, इंग्लैंड है, संयुक्त अरब अमीरात है, जर्मन है, इजराइल है, थाईलैंड है। इससे अलग जो प्रमुख रूप से हमने कौन कौन से सेक्टर। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। आज राजधानी देहरादून सहित राज्य के अन्य विभिन्न हिस्सों में मध्यम से तेज गति की बारिश होती रही। चमोली जिले में कल रात से हो रही भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग, लामबगड़ सहित अन्य 3 स्थानों पर भूस्खलन होने के कारण बाधित है। इसके अलावा जिले के लगभग 18 संपर्क मार्ग भी बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री राजमार्ग पर ओजरी डबरकोट में मलबा आने से यातायात बाधित है, राजमार्ग को खोलने के प्रयास जारी। वहीं बागेश्वर में कल रात हुई बारिश से सरयू और गोमती नदियां उफान पर हैं। कपकोट में 3 मोटर मार्गों पर मलबा आने से यातायात बाधित हुआ। उधर पिथौरागढ़ और टिहरी समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि कुमाऊं और गढ़वाल के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश का ये सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रह सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई के बाद भारी बारिश से प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। तो आज की अगर बात करते हैं, जो संभावना ज्यादा है हैवी रेन्स की, तो कुमाऊं रीजन के जो मैदानी क्षेत्र से लगे डिस्ट्रिक्ट, वो आप कह सकते हैं कि जैसे नैनीताल है या चंपावत है, इसी तरह आपका जो है US नगर भी मैं कहूंगा। इसी तरह आप इधर गढ़वाल में बात करेंगे तो जो है देहरादून है, या फिर आप पौड़ी ले लीजिए, टेहरी ले लीजिए, और जो नीचे हैं हरिद्वार को भी आप कह सकते हैं। तो इनमें संभावना है, लेकिन हाँ ये नहीं है कि अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट बाकी बचते हैं उसमें नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संभावना यहाँ ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये कि एक आध स्टेशन जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी मिलने की संभावना, खासकर पिथौरागढ़ की अगर बात मैं करूँ तो वहाँ पर भी संभावना बनती है। तो ये 24-48 घंटे इसी तरह रहने वाला है, उसके बाद थोड़ी कमी आ जाएगी रेनफॉल एक्टिविटी में, जो कि फिर 30 के आगे जो है फिर से बढ़ने की संभावना है। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे मोहम्मद हनीफ के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना एक नई किरण की तरह आई। उधम सिंह नगर जिले के ग्राम महतोश गदरपुर निवासी मोहम्मद हनीफ अपने परिवार के साथ सीमेंट के गमले बनाने का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार चौपट होने के कारण आर्थिक रूप से वे पूरी तरह टूट गए और कर्ज में डूब गए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना उनके लिए जीवनदायिनी साबित हुई। अपने शुभचिंतकों से जानकारी उपलब्ध होने के बाद मोहम्मद हनीफ ने जिला उद्योग केंद्र
में संपर्क किया। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए उनको बैंक ऑफ बड़ौदा खानपुर से मार्जिन मनी समेत 3 लाख रुपए का ऋण मिला, जिससे उन्होंने सीमेंट के गमले, चूल्हे आदि बनाने का काम बड़े स्तर पर शुरू किया। कारोबार में उन्हें काफी सफलता मिली। आज उनकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा काफी मजबूत हो गई है और वे अपने परिवार का अच्छे ढंग से पालन पोषण कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने 3 लाख रुपए का ऋण लिया, जिससे कि हमने अपना पालन पोषण एक छोटी सी गमले की फैक्ट्री लगाई, जिससे कि हमारा सारे मिलजुल के हम अपने परिवार वाले इसको बनाते हैं। बनाने के बाद इसको मार्केट में बेचते हैं, बेचने के बाद हमें अच्छी इनकम होती है और पैसा भी आता है। उससे पहले हमारी स्थिति बिल्कुल ख़राब थी, हमें रोटियों के लाले पड़ते थे। जब से हमने ये लोन लिया है तो हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हमें भी अच्छी इनकम पैदा हो रही है। मुद्रा योजना के तहत जब से हमने लोन लिया है, बच्चों का पालन पोषण अच्छा हो रहा है और बहुत सुखी से बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और अपना घर का पालन पोषण भी अच्छा हो रहा है। शुक्र अदा करते हैं उनका, प्रधानमंत्री का जी का, कि जो हमारे बच्चों के लिए ये योजना निकाली है, ये लोन दिया है गरीबों को। जो छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग हैं, अपनी किसी प्रकार की स्किल की वजह से अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा के लिए मुद्रा योजना शुरू की गई। जब से योजना शुरू हुई है तब से 96,317 लोगों को हमारे ज़िले में तकरीबन 687 करोड़ का लाभ मिल चुका है। और जो इसमें कुछ बड़े ही लोगों ने, मतलब जो कुछ लोगों ने गतिविधियाँ की हैं, वो बड़ी ही इनोवेटिव टाइप की हैं। उससे उनका न केवल परिवार का पालन पोषण, उनका एक आसपास के लोगों को भी जब वो उसमें शामिल करते हैं तो कुछ और लोगों को भी रोजगार मिलता है। और जो हमारी अगली 2018-19 के लिए अभी मुद्रा योजना है, 2018-19 के लिए हमें 472 करोड़ का टारगेट रखा है कि इतने का हमारा जो विभिन्न उद्यमी इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोन दिए जाने, जो 3 कैटेगरी के लोन होते हैं, 50,000 से 5 लाख तक का, 5 लाख से 10 लाख तक का, उसके अंदर हमारा 2018-19 में डिसबर्समेंट किया जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियन लक्ष्य सेन को 5,53,000 का चेक भेंट कर सम्मानित किया। वहीं लागोस इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन बनने पर कुहू गर्ग को भी सम्मान स्वरूप 2 लाख का चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों का हमारे चहुंमुखी व बहुआयामी विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारा छोटा राज्य है, लक्ष्य सेन ने अपनी प्रतिभा से देश के साथ ही प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ खेलों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कर अच्छे कोचों को यहां लाने के प्रयास करने चाहिए, इससे राज्य के युवाओं को खेलों में और बेहतर अवसर मिल सकेंगे। श्री रावत ने कहा कि लक्ष्य सेन व कुहू गर्ग की विजय युवाओं की विजय है। उन्होंने कहा कि खेल कोई भी हो, उनमें हमारे युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। चमोली जिले में जोशीमठ तहसील के अंतर्गत उर्गम पावर हाउस के निकट आज सुबह एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार 3 लोग कल्पगंगा नदी में बह गए, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आपदा प्रबंधन, राजस्व और पुलिस की रेस्क्यू टीम द्वारा लगातार लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल गोपेश्वर में किया जा रहा है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने घटनास्थल का जायजा लिया। बाद में जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों को घायलों के उपचार में किसी प्रकार की हीला हवाली न करने के निर्देश दिए। और उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। शौर्य दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी पार्क स्थित कारगिल शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को किया नमन। कहा, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने अपना सर्वस्व कर दिया अर्पण, हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगे वीर शहीद। मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 12 प्रस्तावों में से 8 पर लिया गया निर्णय। प्रदेश में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, लोगों से सतर्क रहने की अपील। और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे उधम सिंह नगर के मोहम्मद हनीफ के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना बनी सहारा। योजना के तहत ऋण लेकर फिर से हुए अपने पैरों पर खड़े।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।